वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ZigZag. हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो जैसा कि आपने देखा, आज मैं आई हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर संग्रहालय में, सिचुएटेड इन दिल्ली. तो हाँ, ये दिल्ली में लास्ट ईयर ही बना है और इसके मायने बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर हमारी हिस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से दिखाई गई है. मैंने इस जगह को गूगल पर इस जगह के बारे में बहुत पढ़ा, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ देखी और सोचा कि इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर तो ज़रूर करने चाहिए. तो आज मैं आ गई हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज हमारी हिस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल रही है और वाई नॉट हम सबको उसके बारे में पता चले. जो जो चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली ऐसी होंगी जो हमें नहीं पता, तो वी गो इनसाइड एंड मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको दिखा पाऊँ और सारा कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ. एंड शायद ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट प्लीज़ इसे एंड तक देखना, बिकॉज आपको इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी. एंड हमारी हिस्ट्री यहाँ पर एक बहुत ही डिजिटल वे में दिखाई गई है, एक बहुत ही यूनिक तरीके से दिखाई गई है, जो कि शायद मैंने पहले नहीं देखी और आई एम श्योर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम सब ने ही नहीं देखी. तो आज मैं कोशिश करूंगी उन सब चीज़ों को फॉलो अप करने की, उन सब चीज़ों को देखने की और आप लोगों को दिखाने की. सो बने रहो मेरे चैनल पे, लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट क्या क्या है.
अभी तक सेम टू सेम इन लोगों ने रखा है. द एंशियंट आर्किटेक्ट मतलब पुराने टेलीफोन, पुरानी चीज़ें, पुराने बुक्स, एंशियंट बुक्स लाइक सारी चीज़ों पर, और देखने में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा लगा है. तो अभी आपने जो देखा मैं आपको और आगे दिखाती हूँ. अभी जो आपने देखा दैट वॉज श्री जवाहरलाल नेहरू रूम जिसमें वो रहते थे, और उन्होंने अपने लास्ट टाइम भी इसी रूम में ही बिताए, और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी यहीं पे ली थी. एक्चुअली उनकी डेथ भी यहीं पर. डिटेलिंग और बहुत ही डिजिटल वे में हमें सब कुछ समझाया हुआ है यहाँ पे. इट्स वेरी गुड प्लेस. देखने में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दी हैं, मैं वैसे ही कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ आपको दिखा पाऊँ. हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज हमने भी ऐसी कई चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, और यहाँ पे आके बहुत सी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो समझ में आ रहे हैं, और उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया हुआ है, इसलिए पढ़ने में और समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है. एक फिल्म की तरह पूरा प्रॉपर आपको ब्रीफ किया हुआ है हर चीज़ के बारे में, और वहाँ आप आके आराम से बैठ के सब कुछ देख सकते हो बिकॉज उस टाइम की रियल फोटो और उस टाइम की रियल वीडियोज़ हैं आपके सामने. तो वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड.
और यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, पंजाबी में चाहिए, और जो भी, तो यहाँ पे इसका भी साइन है एंड दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो दिस इज द म्यूजियम, अभी हम जिसमें आए हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर सारी बताई गई है ब्रीफ से स्टोरी, एंड इट इज़ नॉट फिनिश येट, अभी भी ऊपर है. कम ऑन, उसको कैसे कैसे करके प्रोसीडिंग हुई उसकी, और कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, और कौन कौन से ऐसे मिशन थे रिलेटेड टू जो हमारे मिसाइल्स बने, जो हमारे रॉकेट्स बने, कैसे कैसे इंडिया ने डेवलप.
आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गेम है जनरल नॉलेज की। अगर आपके बच्चे आ रहे हैं आपके साथ में तो आप उन्हें गेम खिला सकते हो रिलेटेड टू जनरल क्वेश्चन। तो आपको आपके उनके ऊपर जंप करना है, जो भी आपका आंसर होगा ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू दैट, और सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आते रहेंगे और आंसर भी आते रहेंगे। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट है, और यहाँ पर ना शाम के टाइम 6:30 to 7 एक लाइट और साउंड शो होता है जिसे कवर हमें करना था, बट हमारी ख़राब किस्मत कह लो या अनफॉर्चुनेटली हमें उसकी टिकट्स नहीं मिल पाई। मैं बहुत, मेरा मन था वो कवर करने का और आप लोगों को दिखाने का। यहाँ पे पूरा इंडियन फ्लैग और पूरा इतना अच्छा रात में जो है ना शो होता है, बहुत ही अच्छा होता है वो। और मैंने आज आते ही सबसे पहले उसी के लिए पूछा कि हमें सबसे पहले लाइट और साउंड की टिकट लेनी थी, बट उन्होंने बोला कि सोल्ड आउट हो चुकी है। हमारा मूड बहुत ज़्यादा स्पॉयल हो गया था ये वीडियो बनाने से पहले, बट मैंने सोचा कि ठीक है यहाँ आ गए हैं तो जितना कवर कर सकते हैं कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने जो गलती करी है वो आप मत करना, आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा लेना अपनी लाइट और साउंड की। बाकी बेशक आप यहाँ पे आके ले लेना, आपको मिल जाएगी, लेकिन लाइट और साउंड की जो टिकट्स हैं वो सबसे पहले, क्योंकि लोग सिर्फ सिंगल ये भी देखने के लिए आते हैं जिसे म्यूजियम नहीं देखना, वो सिर्फ सिंगल लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए भी आते हैं शाम को और अपनी टिकट्स पहले ही रिजर्व करवा लेते हैं। तो आप भी करवा लेना, मैं भी श्योर ये देखने ज़रूर आऊँगी वेरी वेरी सून, जब भी मुझे लगेगा टाइम मैं आऊँगी ज़रूर ये देखने के लिए, और जब भी आऊँगी आई विल कवर इट। बट आप लोगों के लिए ईजी हो जाए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो शो होता है वो आप ज़रूर देखना जब भी यहाँ पर आओगे, और अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना ताकि ये मिस ना कर दो, स्पेशली ऑन सैटरडे संडे ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है। एग्जिट डन, और सारा अंदर म्यूजियम और जितना कुछ भी आपको दिखाया वो सब देख लिया है, और बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर चलना पड़ रहा था, बट ठीक है इट्स ओके, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी अंदर, बहुत मज़ा आया। और मैं आपको पहले यही बोलूँगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि आपका लाइट एंड साउंड शो मिस ना हो। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर, लेट्स सी यहाँ पे कुछ देखती हूँ मैं, अगर कैफ़े वगैरह है तो वो भी आपको बताऊँगी, बिकॉज कुछ खाना ऑब्वियसली अगर आप लोग भी आओगे तो कुछ तो खाओगे यार यहाँ पे, तो उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, लेट्स एक्सप्लोर दैट एज वेल, और फिर उसके बाद इस व्लॉग का एंड करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। बट था इंटरेस्टिंग, मैंने सारी मीनिंगफुल चीज़ें रखी हैं, कुछ भी ऐसा नहीं रखा है जिसमें आपको मज़ा ना आए। तो गाइस अभी हम लोग एग्जिट हो चुके हैं बिल्कुल, और हाँ कैंटीन है यहाँ पे और सिटिंग एरिया भी बना हुआ है। कैंटीन में आपको चाय, समोसा, मैगी, चिप्स एंड ऑल ये सब मिल जाएगा, तो इट्स गुड। नॉर्मल कुछ खाने पीने के लिए मैंने चिप्स लिए यहाँ पे और चाय पी ली मैंने। और हाँ, कमिंग टू द डिटेलिंग पार्ट नाउ, आपको 100 rupees की टिकट है यहाँ पे एंट्री की, प्लस लाइट एंड साउंड शो जो यहाँ पे होता है उसकी भी 100 rupees टिकट अलग है। और यहाँ पे एड ऑन्स हैं, जैसे कि अगर आपको आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ वॉक कर रही हैं, आपको आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटोग्राफ चाहिए या उनके सिग्नेचर्स चाहिए, तो उसके एड ऑन्स आप करा सकते हो, और उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको टिकट काउंटर पे करना पड़ेगा। नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कराओगे तो वहाँ पे भी आप ये सब कुछ ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल देखना चाहिए, मेरे हिसाब से मैं नहीं देख पाई बिकॉज इट वॉज सोल्ड आउट जब मैं आई सुबह, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लो। एंड अंदर एक चॉपर भी है, उसमें क्या है वो आपको एक जो इंडिया की डेवलपमेंट आगे होने वाली है उस पर आपको दिखाया जाता है, वो मैं नहीं कर पाई बिकॉज वो भी दिन में सोल्ड आउट था। सो नॉट अ प्रॉब्लम, आप लोग आओ, आप लोग एक्सपीरियंस करो और डू दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लीज़, तभी आपको ये सब कुछ मिलेगा। सो नाउ इट वॉज़ अ गुड डे, एक बहुत ही नॉलेजेबल जगह है ये, आप यहाँ पे आ सकते हो अपने बच्चों को लेके, स्पेशली किड्स विल लर्न अ लॉट हियर, जो उनको हमारी हिस्ट्री के बारे में चीज़ें नहीं पता वो बहुत चीज़ें उन्हें पता चलेगी, और एक बहुत ही अच्छे मैनर में एक डिजिटल अवेयरनेस के उस पे बेसिस पे ये जगह को बनाया है और हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है, तो एक बहुत ही अच्छे वे में किया है उन्होंने, तो आपके किड्स को बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, और इवन हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत नॉलेजेबल है। सो इट्स गुड नाउ, एंड नाउ लेट्स एंड दिस व्लॉग बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।
इट वॉज़ अ नाइस डे. अच्छी जगह एक्सप्लोर करी है आज मैंने. होप आपको भी अच्छी लगे. ओके, नाउ वील बी मीटिंग वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं. मैं अब अच्छे कहीं ट्राई करूँगी किसी इवेंट वगैरह में भी जाके उसको एक्सप्लोर करने के लिए. और स्टे ट्यून ऑन माई चैनल. मेरे चैनल पर आपको हर तरह की चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करती हुई मैं दिखाई दूँगी और आपको बहुत हेल्प होगी उससे. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना करो. क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए. एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा. सो नाउ वी आर हेडिंग अप टू आवर होम. अब हम बाय बाय करते हैं आपसे और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव.